वेलकम बैक टू चैनल एवरीवन, मेरा नाम है रवि। आज हम देखेंगे टायर को कैसा रीड करना है। काफी लोगों को पता नहीं है कि टायर को कैसा रीड करें। जब आपको टायर डालना होता है गाड़ी का, आप उसको फोन करके बोलते हो मुझे इनोवा का टायर चाहिए, मुझे टोयोटा अल्टिस का टायर चाहिए, मुझे बीएमडब्ल्यू का टायर चाहिए, और काफी लोगों को ये पता नहीं है कि टायर का उनके गाड़ी में टायर का साइज क्या है। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि आपको पता चल जाएगा कि टायर का साइज क्या है आपके गाड़ी में। आप प्लीज जाके चेक कीजिए कि आपके चारों टायर एक ही साइज के है या कोई गलत साइज डाली है, क्योंकि काफी टाइम हम लोग इमरजेंसी में अटक जाते हैं, और इमरजेंसी में जब अटकते हैं तो हम लोग टायर वाले के पास में जाते हैं, और अगर गलत टायर वाला होता है उसके पास में वो टायर स्टॉक में नहीं है तो वो गलत साइज आपको डाल सकता है। तो ये कैसा चेक करना है कि मेरे गाड़ी में टायर का साइज कैसा और क्या और कौन सा जाएगा, तो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। दोस्तों, ये साइड वॉल है टायर का। साइड वॉल में हमेशा आपको दिखेगा टायर का साइज लिखा होता है। ये टायर में हम देखेंगे, देखो साइड वॉल में जो साइज लिखा है टायर का, वो 215/60/17/96H ऐसा लिखा है। काफी सिंपल है दोस्तों, 215 जो है वो विड्थ है टायर का, ये विड्थ होता है टायर का। एस्पेक्ट रेशो जो 60 है वो परसेंटेज होता है आपका विड्थ का। 215 जो है उसका ये 60% एस्पेक्ट रेशो है। तो काफ़ी दो टाइप के टायर आते हैं, एक आता है रेडियल टायर आता है और एक आता है बायस टायर आता है। तो R स्टैंड फॉर रेडियल। काफ़ी जो पैसेंजर कार्स है, जैसी कार्स है, सब में रेडियल टायर ही लगते हैं। जो बायस टायर है, जिसे हम नायलन टायर्स कहते हैं, ये ट्रक में लगते हैं, लोडिंग कार्स में लगते हैं, रिक्शा में लगते हैं, जैसे हमारे बाइक्स में भी लगते हैं। तो वहाँ पे आपको दिखेंगे बाइक्स के अंदर जो नॉर्मल बाइक्स है, नॉट स्पोर्ट्स बाइक। तो अभी आजकल काफ़ी स्पोर्ट्स बाइक में भी आपको देखने मिलेंगे कि रेडियल टायर्स आते हैं। तो R जो है वो रेडियल के लिए है, और अगर कुछ नहीं होता है उसके बीच में, सो दैट मीन्स दैट इज अ बायस टायर। सो बायस टायर मतलब नायलन है, वो 17 है, रीम साइज है टायर का, ऊपर टायर माउंट होता है। टायर में 96 जो है वो लोडिंग इंडेक्स होता है। हर टायर का एक लोड लेने का कैपेसिटी होता है, 96 जो है लोडिंग इंडेक्स है। एच होता है, ये स्पीड रेटिंग होता है, कि हर एक मैन्युफैक्चरर को ये मेंशन करना होता है कि उसका टायर कितना स्पीड तक कैपेबल है चलने के। तो एच स्टैंड्स फॉर 210 का एक इसका मैक्सिमम स्पीड है। दिस टायर इज केपेबल ऑफ ड्राइविंग एट अ स्पीड ऑफ मैक्सिमम 210, यू शुड नॉट गो बियॉन्ड दैट वन। दोस्तों, काफ़ी लोगों को क्वेरीज है कि मेरा टायर कभी मैन्युफैक्चर हुआ है, कोई आपको टायर वाला टायर डाल के देता है, ये कब मैन्युफैक्चर हुआ है। काफ़ी लोगों को पता नहीं है कि मेरा टायर कब का मैन्युफैक्चर है। बहुत सिंपल है दोस्तों, DOT साइड वॉल में लिखा होता है, हर टायर में लिखा होता है। दोस्तों, DOT का मीनिंग होता है डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सर्टिफिकेट, दैट इज DOT। हम लोग डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी यूज़ करते हैं उसको। अभी आपको दिखेंगे दोस्तों यहाँ पे 4WER, तो पहले जो लेटर है 4W वो है मैन्युफैक्चरर एंड प्लांट कोड। तो ये कहाँ पे कौन से प्लांट में बना है, मैन्युफैक्चर का कोड क्या है, ये होता है। बाद में जो सेकंड 2 डिजिट देखेंगे आपको, ये टायर का साइज का कोड है। ER यहाँ पे है, ये टायर साइज कोड है। बाद में आपको दिखेगा CLA, वो एक ऑप्शनल कोड है जो मैन्युफैक्चरर कुछ भी चेंज कर सकता है। और यहाँ पे आपको देख रहा है 19, मतलब दोस्तों 19th week ऑफ 2017 में मैन्युफैक्चर। 7 जो दिख रहा है दोस्तों, लास्ट 2 डिजिट वो है ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। सो 2017 में बना हुआ ये टायर है 19th week में। तो काफ़ी सिंपल था। आपकी गाड़ी में आपको अभी पता करना है कि आपके टायर कौन से ईयर के हैं, तो आप इस गाइड के थ्रू जाके देख सकते हो। अगर आपका टायर गलत है दोस्तों, हाइट जिसे हम एस्पेक्ट रेशियो कहते हैं, जो ग्राउंड क्लियरेंस है, उसका अगर डिफरेंस है आपके टायर में, अगर डॉले दोनों अलग अलग टायर है, तो आपका स्टेयरिंग एक साइड पुल करेगा। अगर हाथ छोड़ के गाड़ी चलाते हो तो गाड़ी एक साइड पुल करना चालू करेगा, ये एक ड्रॉबैक है। दूसरा ड्रॉबैक है आपका सस्पेंशन जल्दी खराब हो सकता है, क्योंकि अगर मैं एक 8 नंबर का शूज़ पहना दूँ और एक 10 नंबर का शूज़ पहना दूँ और आपका साइज़ है 10 नंबर, तो आप बराबर चल नहीं पाओगे। ऐसा ही कोई सिचुएशन है कार के साथ में भी, अगर आपका टायर का साइज़ गलत है तो उसको चलने में दिक्कत होंगी, तो वो कंफर्ट नहीं दे पाएगा आपको, प्लस आपका सस्पेंशन जो है कार का वो भी डैमेज होने के चांसेस है। तो प्लीज़ गाइस, चेक कीजिए कि आपके चारों टायर ये एक ही साइज़ के हो। काफ़ी गाड़ियाँ, जैसी हाई एंड गाड़ियाँ है, जैसे BMW है, मर्सिडीज़ है, उनमें टायर के साइज़ अलग अलग होते हैं। सामने के 2 टायर अलग होते हैं, पीछे के 2 टायर अलग होते हैं।
ऐसा अगर सिचुएशन है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सामने का राइट का टायर गलत अलग है और लेफ्ट का टायर अलग है तो दिक्कत हो सकती है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए कि आपके दोनों सामने के टायर और दोनों पीछे के टायर वो एक ही साइज़ के होने चाहिए। ये अगर गलत है तो आपको कंफर्ट में फ़र्क पड़ेगा, आपके सस्पेंशन में प्रॉब्लम आ सकते हैं, और दूसरी चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट, ये डेंजरस भी है, क्योंकि हम लोग जब गाड़ी चलाते हैं 100-120 की स्पीड से चलाते हैं तो स्टीयरिंग कंट्रोल में नहीं रहेगा तो एक्सीडेंट होने के भी चांसेस हैं। तो दोस्तों प्लीज़ आप कभी भी टायर डब डालते हो ये चेक कीजिए कि आपका साइज़ आपने राइट डाला है या गलत डाला है। दोस्तों अगर आपका टायर का साइज़ गलत है तो आपको वॉबलिंग भी हो सकता है स्टीयरिंग में। अगर एक लेफ्ट टायर है और एक राइट का टायर का दोनों का साइज़ अलग है तो जब एक फोर्स में जब गाड़ी चलती है आपका स्टीयरिंग वॉबलिंग करेगा। तो एक चीज़ ध्यान में रखिए दोस्तों, कभी भी आप टायर डालते हैं तो प्लीज़ इंश्योर कीजिए कि आपके चारों टायर एक सरी के हैं, एक ही साइज़ के हैं। कई लोगों को दोस्तों टायर अपसाइज़ करने होते हैं, तो आपको अगर अपसाइज़ करना है तो हमारा एक दूसरा वीडियो भी इस चैनल पे देखने मिलेगा आपको कि टायर अपसाइज़ करने के लिए क्या क्या प्रिकॉशंस हमको हैंडल करने हैं, क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखना है, ये हमारे दूसरे वीडियो में देख सकते हो। दोस्तों आपको पता चल गया अभी कि आप टायर कैसा रीड कर सकते हो, और प्लस आपका मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या था टायर का ये भी आप पता कर सकते हो। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है दोस्तों या कोई भी क्वेरीज है प्लीज़ कमेंट में लिखिए, मैं ट्राई करता हूँ कि आपके सारे कमेंट्स का आंसर करूँ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको अगर ये वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक भी कीजिए। राइडर्स प्लीज़ वेयर हेलमेट, ड्राइवर्स प्लीज़ वेयर सीट बेल्ट, कीप द रोड क्लीन, कीप द रोड सेफ, कीप द सिटी क्लीन। थैंक यू।